welcome Jaswant, Smita and Saloni on stage. ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके और रस्ते पे ओ सड़क पे एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया। सकीना तुम्हारा तारा तुम्हें बुला रहा है, कहाँ हो तुम? सकीना कौन है बे जो कॉमेडी सर्कस में चिल्लम चिल्ली कर रहा है? ओह माय गॉड, तारा सिंह तुम यहाँ पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? मैडम जी मैं आजकल हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर रहा तो पाकिस्तान में क्या करूँगा? मैं आपको ले जाने आया हूँ हिंदुस्तान। नहीं, बहुत देर हो चुकी है तारा सिंह, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मैडम जी ये क्या कह रही हैं आप? अब मेरे साथ क्या आजकल किसी के साथ नहीं चल रही हो? सकीना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये कौन है? Let me introduce myself. मैं जीता। कौन सा शो तुमने जीता छोटे मियाँ? अरे मेरा नाम है जीता। मैडम जी ये हमारा पुत्र है जीता और तारा सिंह जूनियर। शक्ल से तो तारा सिंह जूनियर लगता है। वही बहुत अच्छे। मैडम जी कुछ भी हो स्टॉक में सिर्फ यही है। जीते ये तेरी अम्मी है। श्योर? क्या माँ के स्टॉक में बस यही थी? देखा मैडम जी हमारा जीता कितना होशियार हो गया है, मेरे लिए ना सही अपने पुत्र के लिए चलो हिंदुस्तान। हाँ माँ चलो ना, अगर तुम चलोगी तो पड़ोसियों का भी दिल लगा रहेगा। चुप है, हट। यही सिखाया तुमने इसे? क्या क्या बोल रहा है? मैडम जी मैं क्या सिखाऊंगा इसे, इसकी खुद की क्रिएटिविटी है। आप चलिए मेरे साथ हिंदुस्तान। मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देंगे। मैडम जी आपको मुझे यहाँ से ले जाने से कोई ताकत कोई सारा नहीं रोक सकती, और अगर किसी ने रोका वाहेगुरु जी दी सो गार्डन उखाड़ दूंगा। गार्डन? हाँ स्क्रिप्ट में यही लिखा था। गार्डन नहीं गर्दन लिखा था। ओके तो गर्दन उखाड़ दूंगा। कभी गर्दन उखाड़ते हो कभी हैंडपंप उखाड़ते हो, किसी फिल्म में कुछ क्यों नहीं उखाड़ लेते? आप चलिए मेरे साथ हिंदुस्तान। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ मेरे पास बंगला है गाड़ी है। तुम्हारे पास क्या है? मान लो कि आज मेरे पास कुछ नहीं है। मान लो? अरे मान लिया मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पर मार्केट में मेरा लाखों रुपया फंसा हुआ है। मार्केट में? हाँ पापा ने कई सारे लोगों पे केस किया है क्योंकि कई सारे लोग पापा की एक्टिंग जो करते हैं ना। ओए, हम यहाँ बताई माँ को पटाने आए हैं और तो अपनी माँ को भी नहीं पटा सकता। मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ जो किसी की भी माँ को पटाता फिरूं। तारा सिंह तुम भी यहीं रुक जाओ ना। क्या फायदा मैडम जी, पैसा कमाने के लिए तो हिंदुस्तान ही जाना पड़ेगा ना। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पैसा कमा रही हूँ ना, मैं शादी कर रही हूँ। रिपीट टेलीकास्ट? ओए तू शादी कर रही है? भड़कते क्यों? क्यों नहीं भड़केंगे, अपने पापा को शादी का कार्ड क्यों नहीं भेजा? अब कोई फायदा नहीं, मेरा निकाह होने वाला है शाहिद से। शाहिद से? यानी करीना से डायरेक्ट सकीना? अरे शाहिद कपूर से नहीं, शाहिद आफरीदी से। कर लो माँ, बहुत हैंडसम लगता है। मुझे भी। तारा सिंह मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी बेबी। अरे नहीं करोगी, मैं भी पहले करता था लेकिन पापा की तो एक्टिंग कोई भी टिंगू पिंगू कर सकता है। और बलवान था क्या कुत्ते, देखा मैंने भी सीख लिया। आप किसी से भी शादी कीजिए लेकिन जीता मेरे साथ रहेगा। क्यों जीते? इसका फैसला तो ये जज करेंगे कि मैं किसके साथ रहूं। ओए दे दो नंबर। प्लीज वेलकम भारती एस फारा, शरद रामू और परेश एस आशुतोष। What's your राशि एक बार देखो ना, What's your राशि फ्री में तो देखो ना, What's your राशि एक बार तो देख लो यार। अगर पिक्चर ही देखते हो कम से कम मुझे ही देख लो, जितने बाल थे वो भी उड़ गए। गोविंदा 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 गोविंदा
व्हाट्सएप राशि फ्री में। अरे आशु, अरे रामू, तू? अरे यार, तू अपनी फिल्म की टिकट ब्लैक कर रहा है? अरे काय की ब्लैक कर रहा हूँ यार, ऐसी पिक्चर बनी है कि पूरा मुंह ब्लैक हो गया है। अपनी करियर में एक यू नो फ्लॉप फिल्म होना जरूरी है। रोहित क्या बोल रहे? अरे रोहित को क्या पूछ रहा है यार, मुझसे पूछ, लुक एट मी यार। अरे यार तू फिकर मत कर, मुझे सिर्फ एक बात बता, तूने यार ये व्हाट्स योर राशि में ऋतिक को क्यों कास्ट किया? अरे वो ऋतिक रोशन नहीं है, वो हरमन था। अरे वही तो बेवजह था। अज्ञातवासी, यहाँ आग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे यार आग तो कहीं पे भी लगाने की मेरी हिम्मत नहीं है यार। हाय फ्रेंड्स, हाय, मैं हूँ फरहा खान और आपका स्वागत है मेरे शो टेढ़े मेढ़े बीच में। वेलकम 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 तुम्हारा है फरहा, हम तो कब के आ चुके हैं। ओहो चुप करो बेटा। ये क्या है? तीन का तड़का। नहीं, जो मैंने सुपर हिट फिल्म बनाई थी ना ओम शांति ओम, ये वही है ओम शांति ओम। अच्छा इसने अली बाबा 40 चोर नहीं बनाई। शट अप स्पोर्ट दादा, स्पोर्ट दादा, प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन वाले भी ना। रामू, यस, तुम्हें नहीं, मैंने अपने बॉय को आवाज दी। अरे रामू, तुम अभी भी आग की बात कर रहे हो? अरे तुम्हें हिट फिल्म चाहिए ना, तो मैं हूँ ना। हो चल छैया 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 छैया, अबे उधर कर, मेरा लेफ्टी है ना, लेफ्ट। चल चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। देखा, ऐसे राइट टाइम पे बेवजह नाच गाना डालने से फिल्म हिट हो जाती है। और ये आशु की फिल्म देखी है? तुमने देखी? मेरा दिमाग खराब नहीं है, इसकी फिल्म में डायलॉग्स कम और गाने ज्यादा होते हैं। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और तुम भी चुप रहो, जिनकी खुद की फिल्म में गाने नहीं होते वो दूसरों की फिल्म की बजाया नहीं करते। अरे प्यारे, अरे टिकटे, बहुत ही घटिया मिमिक्री की है तुम। अच्छा तेरी बजाऊं फिर? माइंड इट। एक मिनट। और रामू काका, वैसे ये कर क्या रहे हैं? मैं कैमरा एंगल सेट कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, जानती हूँ तुम्हारे कंफ्यूज कैमरा एंगल, जनता भी कंफ्यूज रहती है कि डरना मना है कि डरना जरूरी है। परा परा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थैंक्स आशु। क्यों? अरे पब्लिक थिएटर जाएगी तो कंफ्यूज होगी ना। वैसे आशु, मुझे एक हिट फिल्म बनाने के लिए ना तुम्हारी तरह 10-12 फिल्में नहीं बनानी पड़ती। शट अप, जस्ट शट अप। मैं तो सिर्फ 5-6 फिल्में बनाई हैं। अरे बाबा, तुम्हारी एक फिल्म 2-2 फिल्मों के बराबर होती है। कि वो तो लोगों को धोखा देने के लिए इंटरवल एक रखता है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। फरहा, तुम्हारी फिल्म में होता क्या है? तुम और तुम्हारा बदतमीज भाई? नहीं आशु, करण अर्जुन और शाहरुख भी होते हैं। अगर उनके साथ काम किया होता ना तो आज ये नौबत ना आती। अरे पहले वो तो एक दूसरे को छोड़े तब हम जाके पकड़े ना। आशु, अगर तुम्हें इतनी ही इंटेलिजेंट फिल्में बनानी है तो यार तुम हॉलीवुड क्यों नहीं चले जाते? अरे चला जाता यार, बट इट्स लाइक अपनी चौखट का दिया एंड गिविंग लाइट्स टू नेबर्स हाउस। वाह वाह वाह, व्हाट डायलॉग आशु, व्हाट डायलॉग्स। लेकिन ये फरहा के किस तरह के फालतू डायलॉग्स होते हैं? एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजेश बाबू। अरे रामू, अपनी सरकार देखी है? कितना घटिया डायलॉग था, पुष्पा जरा आचार देना। सरकार के बारे में कुछ मत बोलना, सरकार के बारे में कुछ मत बोलना, मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। अगर यही है ना तो प्लीज रामू, सिर्फ अपने लिए फिल्में बनाया करो और खुद ही देखा करो, रिलीज मत किया करो। मैं तो एक्टर की टैलेंट दिखाने के लिए फिल्म रिलीज करता हूँ। एक्टर का टैलेंट? मैं तो पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकता हूँ, लेकिन हरमन से नहीं। हरमन से एक बंदा एक्टिंग करवा सकता है। कौन? कौन? अरे रोहित शेट्टी। कैसे? कैसे? अरे भाई, अगर फरदीन खान से एक्टिंग करवा सकता है तो किसी से भी करवा सकता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।